हमके समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफी हैं। तो आप कृपया चिंता ना करें, आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें। यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है, पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है, इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे, उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। जैसा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना महामारी ने देश में मौत का कैसा तांडव खेला था, और अब फिर कोरोना के भयानक वेरिएंट्स ने अपने पैर देश भर में पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके कोरोना की दूसरी लहर देश के सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई थी और देशवासियों को घरों में कैद होना पड़ा था। वहीं अब कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में फिर वही स्थिति बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। पर एक बात समझ के परे है, मेरे ही या आपके भी, कि कोरोना का ये भयानक वेरिएंट सिर्फ रात में आता है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में ही रहना चाहिए, जिसे रात में ही काबू किया जा सकता है। देश की सरकार से ये सवाल है कि ये कोरोना ही है या भूत है, जहां दिन में लाखों की रैलियों में, शिलान्यास में और इतने ज्यादा चुनावी प्रचार में भूत भाग जाता है और वहीं रात में आ जाता है। इसीलिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। इस पर भारत सरकार के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं मोदी सरकार की रैलियों पर आईना दिखाते हुए बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ऐसा बयान दिया कि उसका जवाब देने की बजाय बीजेपी सांसद रवि किशन पीएम मोदी की चापलूसी में सड़क छाप भाषा पर उतर आए। वरुण गांधी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की रैलियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैली में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। जहां वरुण गांधी ने देशवासियों के लिए, जनता के लिए सही भी कहा, जो कि देश के हित में वरुण गांधी ने ये सवाल उठाया, जो कि देश की मीडिया को उठाना चाहिए था, लेकिन मीडिया तो खुद चुनावी कवरेज में बिजी है। खैर, वरुण गांधी के इस बयान से रवि किशन जी को मिर्ची लग गई, और ऐसी मिर्ची लगी कि रवि किशन जी तो बौखला गए और जवाब देने के बजाय वरुण गांधी के सलाहकार बनते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया कि वरुण गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये काम वरुण गांधी को छोड़ देना चाहिए। पूरे देश का ख्याल रखने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश के वैज्ञानिक हैं। मैं वरुण गांधी से निवेदन करता हूँ कि अपनी ही पार्टी में रहकर ऐसे बयानबाजी ना करें। हमके समझ में नहीं आवत हो कि काहे वरुण गांधी जी ऐसे बोलत अड़न। ये उनको छोड़ देना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को, हमारे साइंटिस्ट को, पूरे देश का ख्याल रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री अकेले काफी हैं। तो वरुण गांधी कृपया बयानबाजी आप बंद करें, अपनी पार्टी में रह के ऐसी बयानबाजी ना करें। ऐसी बयानबाजी कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के बजाय क्षेत्र में जाए, ऐसी पोकट के बयानबाजी से सोशल मीडिया की नेतागिरी बंद कर और क्षेत्र में जाए। तो आप कृपया चिंता ना करें, आप लोग फोकट की बयानबाजी करके कुछ लाइक्स और ये ट्विटर की नेतागिरी बंद करें। लेकिन रवि किशन जी, ये तो वैज्ञानिक और डॉक्टर की भी समझ के परे है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना कैसे रुकेगा, जब दिन में लाखों की रैलियां की जा रही हैं। वहीं ये रवि किशन जी का कैसा लॉजिक भरा जवाब है, जहां रवि किशन जी मोदी जी के नाम की माला ही जप रहे हैं, जहां वो सबके सामने गलत को भी सही बता सकते हैं और सही बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री पे पूरे 140 करोड़ की जनता ने विश्वास किया है, पिछले कोरोना में उन्होंने बचाया है, इस ओमिक्रॉन जो भी बीमारी अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है इससे भी हम लोग बचाए जाएंगे, उसकी पूरी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी को है। लेकिन जनता सब जानती है संसद जी,
वहीं रवि किशन जी से सरकार के फेवर में ये बयान की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब वो ये बोल सकते हैं कि पीएम मोदी पानी से नहीं नहाते, तो रवि किशन जी की मोदी भक्ति के आगे वरुण गांधी का कोई भी लॉजिक भरा सवाल बेकार है। वहीं क्या पीएम मोदी और योगी सरकार से रैलियों पर जवाब मांग रहे वरुण गांधी ने फोकट की राजनीति की है या जनता के हित का सवाल उठाया है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटा।